बांदा पुलिस को ऑपरेशन क्लीन में एक बड़ी कामयाबी मिली है। बांदा की बिनसंडा पुलिस ने एक अवैध असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। बांदा पुलिस ने बताया कि चिल्ला पुलिस को सूचना मिली थी कि बिनसंडा के अस्तम गांव में एक अवैध असलाह फैक्ट्री का संचालन कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। सूचना पर बिनसंडा पुलिस तुरंत हरकत में आई और अस्तम गांव में छापामार कार्रवाई की, जहां बांदा पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। बांदा पुलिस को मौके से 4 आदद देसी तमचा, 315 बोर और 300 बोर की जिंदा कारतूस मिली है। इसके अलावा 4 अर्धनिर्मित 315 बोर, उन्हीं खोखा कारतूस और उनके अलावा असलाह बनाने की सामान जैसे धोकनी, ड्रिल मशीन, छेनी आदि पुलिस को मिली है। अवैध असलाह फैक्ट्री का संचालन कर रहे सत्यदेव अजीत सिंह और सुनील विश्वकर्मा को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बिसंडा में ग्राम हस्तम में एक शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया गया है। सूचना मिल रही थी कि एक व्यक्ति द्वारा जो है ये अवैध असलाह का निर्माण किया जा रहा है और उसकी बिक्री भी की जा रही है। इस सूचना पर जो है टीम ने छापा मारा, 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। मौके से 4 जो है बने हुए तमंचे, 4 अर्धनिर्मित तमंचे, 1 दोनाली बंदूक, फैक्ट्री बनाने के जो भी उपकरण होते हैं जैसे भट्टी है और इसके अलावा जो ग्राइंडर है, वो सारी चीज़ें इसमें बरामद हुई हैं। और मौके पे बनाते हुए सबसे बड़ी बात है कि पकड़ा गया है अभियुक्तों को। सर ये अभी तक किसके सहाय पर अभी तक चल रही थी, कितने मुलजिम अरेस्ट हुए हैं, कितने? 3 अभियुक्त अरेस्ट हुए हैं जिसमें सुनील विश्वकर्मा मेन कारीगर है, बाकी उसके सहयोगी हैं। अब इसमें भी जांच की जा रही है कि कहां कहां पे इन्होंने बेचा है, संबंधित के विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। सर इतना बड़ा कारखाना चल रहा था, अभी तक सर इसके सहाय पर चल रहा था।